रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। चलते चलते अचानक दो हिस्सों में भग गया सैनिकों का ट्रक, और फिर जानिए ऐसा क्या हुआ। लाठी सेना की गाड़ी शुक्रवार को सड़क पर चलते चलते अचानक से दो हिस्सों में भग गई। इस दौरान मौके पर हड़कंप की स्थिति बन गई। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल पोकरण से जैसलमेर की तरफ जा रही सेना की गाड़ी का लाठीबा स्टेशन पर अचानक से हुक टूट गया। इससे सेना की गाड़ी की ट्रॉली डिवाइडर और नाले के ऊपर से होकर दुकानों के आगे जाकर फंस गई। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपने बचाव के लिए ब्रेक मारे, जिससे ट्रैक्टर के आगे के दोनों टायर फट गए। इस पूरे घटनाक्रम में गनीमत ये रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। इस हादसे के बाद करीब आधा घंटा तक सड़क पर जाम लगा रहा। लाठी पुलिस थाने से अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां लगा जाम खुलवाया। इसके बाद वहां पर यातायात सुचारू हो सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे हुआ हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सेना का ट्रेलर पोकरण से जैसलमेर की ओर जा रहा था। वहीं ट्रेलर के ऊपर आर्मी का भारी भरकम सामान भी रखा हुआ था। लाठी गांव में प्रवेश करते ही बस स्टैंड के पास अचानक से ट्रेलर का कैबिन से टूट गया, जिसके कारण ट्रेलर संतुलित हो गया। इस दौरान नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। सुबह का समय होने के चलते राहगीरों व यात्रियों की भीड़ नहीं थी, अन्यथा जनहानि व बड़ा हादसा होने से कोई नहीं इनकार जा सकता था। कोटपूतली हादसे में भी हादसे में दो हिस्सों में ट्रैक्टर ट्रॉली लाठी में हुए हादसे की ही तरह शुक्रवार सुबह ही कोटपूतली में हुए सड़क हादसे का शिकार हुआ ट्रैक्टर दो हिस्सों में भग गया। हादसा पावटा के पास हुआ, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रोले ने जबरदस्त टक्कर मार दी। जयपुर दिल्ली मार्ग पर हुए इस हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया।